नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के माध्यम से आप छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत जो आपने ऑनलाइन स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था उसका क्या करंट स्टेटस है, उसका संशोधन कैसे करें, इत्यादि से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपको मिल जाएगा और आप उसका संशोधन स्वतः कर भी सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या पीसी में वेब ब्राउजर ओपन करना है, चाहे वो क्रोम हो या ओपरा मिनी हो, जो भी हो। और उसके बाद upscholarship.gov.in पे सर्च करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी टिक करके आप जा सकते हैं। और उसके बाद पहली वेबसाइट जो खुलेगी तो इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें जो स्टूडेंट का कॉलम है उसमें फ्रेश और लॉगिन दो ऑप्शन है। फ्रेश के सामने एक नई विंडो आएगी, वहाँ पे आपने फॉर्म भरा है 12th का 11th का, उसके अकॉर्डिंग टिक कर देना है वहाँ पर। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन संख्या, डेट ऑफ बर्थ और अपना पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक, इस पर टिक कर देना है। इसके बाद अगर नवीन है या फिर नवीनीकरण है में जो भी आपके लिए ऑप्शन सुटेबल है उस पर टिक कर लेना है पासवर्ड प्राप्त करने के लिए। नवीनीकरण का मतलब फ्रेश, और इसको आप बोल सकते हैं जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा है, और जिन्होंने दोबारा फॉर्म भरा है उसको बोलते हैं रिन्यूअल। वो रिन्यूअल की कैटेगरी में आएगा। अगर आपने पिछले बार जो फॉर्म भरा था 2021-22 का तो यहाँ नीचे, और अगर आपके पास जो है क्रमांक है 22-23 का तो आप ऊपर भरेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको जन्म तिथि भरनी है, उसके बाद आपको बोल्ड भरना है, जो भी है आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको किस वर्ष आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है वो डालना है। और उसके बाद नीचे आता है ऑप्शन हाई स्कूल रोल नंबर, जो कि आपके मार्कशीट पे लिखा होगा वो रोल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड नीचे भर देना है नीचे की लाइन में, और उसके बाद पासवर्ड पुनः प्राप्त करें, इस पर टिक कर देंगे तो आपको पासवर्ड नया मिल जाएगा। उसको आप चाहे कॉपी कर लें या फिर उसको सेम वैसे ही आपको लॉगिन में डालना है। यहाँ पर देखिए पासवर्ड जो होता है वो नंबर भी हो सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर भी हो सकता है, वैसे ही आपको भरना है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद अपना जो पासवर्ड मिला है, और उसके बाद यहाँ कैप्चा भरेंगे और यहाँ सबमिट पे टिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे टिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन होती है, और ये देखिए यहाँ पे आता है आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर टिक करेंगे तो संशोधन का ऑप्शन खुल जाएगा। ये केवल उन्हीं लोगों में शो होगा जिनके फॉर्म में कोई न कोई समस्या है, अगर नहीं है तो नहीं खुलेगा, ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर इतना सारा डाटा है, इसमें जो भी आप संशोधन करना चाहते हैं वो आप संशोधन कर करके यहाँ जो ब्लू कलर का दिख रहा है इस पर सबमिट करने से पहले यहाँ पर आपको कैप्चा कोड भरना है और भर के सबमिट पे टिक कर देना है। अपना फॉर्म संशोधन कर लिया है तो संशोधन अगर आप कर लेते हैं तो उसका प्रिंट भी आपको कॉलेज में अपने जमा करना होगा। यहाँ पे आता है संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, और ये यहाँ पर आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद इसको आपको जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसी के अकॉर्डिंग भर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का ऑप्शन है चेक करंट स्टेटस, इस पे जैसे ही आपको टिक करेंगे इसमें लिख करके आ रहा है UIN सर्वर नेवर इनेबल फॉर DPT डायरेक्ट बेनिफिट हैज बीन क्रिएट बाय बैंक ऑन अकाउंट रिजेक्ट बाय बैंक। देखिए इसका बैंक से रिजेक्ट हो गया है। अब इसका रिजेक्ट होने का कारण क्या है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका मतलब ये है कि इन्होंने आधार सीडिंग ऑन नहीं किया था। आप बैंक में जाकर के आधार सीडिंग ऑन करवा सकते हैं और वहां से इनेबल इसको करवा दीजिए, इस प्रकार की यदि एरर आती है तब। और इसके बाद अगला है देखिए, और जिसके फॉर्म में ये समस्या आ रही यूपी बोर्ड रोल नंबर नॉट मैच विद डाटा, तो ये कई बार अपडेट होता है। अगर आपका सब कुछ सही है तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, कुछ समय वेट करिए और उसके बाद फिर से चेक कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं परेशान होने की अगर आपने सही फिलअप किया है तो। और आप अपना स्टेटस चेक करके विभिन्न प्रकार की जो आपकी समस्याएं हैं वो आप कमेंट के माध्यम से भी दूर कर सकते हैं।